सुभाष चंद्र प्रोफेशनल पॉलिटिशियन कभी नहीं रहे, कभी किसी की पार्टी की सदस्यता भी नहीं ली, लेकिन आज उनकी दस्तक से ही कांग्रेस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान में सरकार होने के बाद भी कांग्रेस को अपने विधायकों को रायपुर उदयपुर में बाड़ा बंदी करनी पड़ी, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण थे सुभाष चंद्र, क्योंकि वो राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान पहुंच गए थे। सुभाष चंद्र की राजनीति का एक अतीत है जिसने कांग्रेस को कभी लहूलुहान कर दिया था, ऐसा घाव देकर जिसे याद करके ही अशोक गहलोत को अपने विधायकों को होटल रिजॉर्ट में छुपाना पड़ा। क्या कुछ है ये पूरा मामला, आइए डिटेल में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसी तरह की राजनीति और तमाम दिग्गज पर्सनालिटीज से जुड़ी कहानियां आप कुकू FM ऐप पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो के पार्टनर है कुकू FM ऐप, जो लाए हैं न्यूज तक के व्यूअर्स के लिए खास ऑफर। कुकू FM का सब्सक्रिप्शन लेने वाले व्यूअर्स को मिलेगा 50% तक का सीधा डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है हमारा कूपन कोड NTK50। दुनिया के दिग्गजों की बायोग्राफी, बॉलीवुड स्टोरीज और भी बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक स्टोरी के डिस्क्रिप्शन पर है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। 2016 में सुभाष चंद्र बिना किसी पार्टी में शामिल हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा आ गए। हरियाणा के हिसार की मिट्टी में ही सुभाष चंद्र की जड़ें हैं। चावल का व्यापार, मीडिया का कारोबार और राजनीति का करियर सब हरियाणा से ही शुरू किया। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर से है। पिता नंद किशोर गोयल व्यापार के लिए हिसार में बस गए थे। बीजेपी के समर्थन से सुभाष चंद्र ने ऐसा गेम प्लान बनाया कि सत्ता में बैठी कांग्रेस के तोते उड़ गए। कांग्रेस के विधायक पार्टी विप से बंधे थे, लेकिन सुभाष चंद्रा को जिताने का जिम्मा ले लिया था। 16 विधायकों ने जाने या अनजाने वोट देते समय ऐसे पेन का इस्तेमाल किया जिसकी मान्यता नहीं थी। चुनाव आयोग ने 16 विधायकों के वोट रद्द कर दिए और सुभाष चंद्रा जीत गए। जो सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस के साथ किया था वो उनके साथ हो गया। मुझे ऐसा कुछ नहीं उम्मीद थी, क्रॉस वोटिंग जब मैं दूसरों से अपेक्षा कर सकता हूँ कि वो मुझे दें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया होगा, तो क्या नई बात है, क्या आश्चर्य की बात है। बीजेपी और RLP के समर्थन के बाद भी सुभाष चंद्र जरूरी 41 वोट नहीं जुटा पाए, और तो और कुल वोट ही 30 मिले। उल्टे बीजेपी से फूट पड़ गई। सुभाष चंद्र के लिए बीजेपी कांग्रेस तोड़ने वाली थी, लेकिन प्रमोद तिवारी के लिए बीजेपी में फूट पड़ गई। नतीजे घोषित होने से पहले ही सुभाष चंद्र हार मानकर जयपुर से निकल गए। कहते गए कि जब मैं यही काम करवाना चाह रहा था और दूसरे ने कर दिया तो इसमें शिकायत क्या। हरियाणा का प्रतिनिधित्व मैंने 6 वर्ष किया राज्यसभा में, उसमें जो मैंने काम किए हरियाणा के, वो हरियाणा की जनता को पूरी तरह से मालूम है। ना कि केवल मैंने अपना जिला जिसको मैंने अडॉप्ट किया एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, उस जिले में काम किया, बल्कि अन्य जिलों में भी हरियाणा का कोई भी व्यक्ति मेरे पास किसी समय भी आ गया, उनका जो कुछ काम हो सका मैंने किया। सुभाष चंद्र बीजेपी में करीबी माने जाते हैं। पीएम मोदी ने उनकी आत्मकथा का विमोचन किया था। अक्सर बीजेपी संघ नेताओं के आसपास दिखते हैं सुभाष चंद्र, लेकिन वो कभी भाजपा ही नहीं बने। इस बार फिर वो निर्दलीय हैं, बीजेपी का समर्थन लिए हैं, लेकिन हरियाणा से नहीं, राजस्थान से चुनाव लड़ने गए। सुभाष चंद्र की पहचान टीवी मीडिया में नए प्रयोग करने वाले कॉर्पोरेट की रही है। 1992 में उन्होंने जी टीवी शुरू किया था, जो पहला प्राइवेट टीवी चैनल था। 30 साल में जी ग्रुप देश का बड़ा ग्रुप है, जिसे वो और परिवार के लोग चलाते हैं। SubhashChandra.com पर उनको फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन भी कहा गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज तक के साथ।